हेलो एम वेलकम साथियों मैं हूं दिलवीर सिंह खासो और आप देख रहे हैं डी के क्लासेस दोस्तों आज की क्लास में एक और टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले जेके एस पंचायत सेक्टर यानी वी के मैथमेटिक्स सिलेबस में मैंशन किया गया है आधे भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके मैथेमेटिक्स के, के कवर हो चुके हैं जिन दोस्तों ने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्ले की एक अच्छी खासी लिंक मिल जाएगी हर एक टॉपिक हर एक लाख विस्तार में सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी जिन साथियों ने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए बात क्या है इन पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले टॉपिक के लिए कौन कौन सी जरूरत है वो चीज़ों आपको पता होनी चाहिए एक तो ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट हमने आपके पास पढ़े हैं टेगनोमेट्री रै्यूज़ क्या हो गए जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं जैसे जीरो डिग्री थर्ट डिग्री फोटी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री विदाइल टेबल वो आपको याद होनी चाहिए वो आपको बनाने आनी चाहिए ठीक है जी उसके बाद ये लगता किसको है देखिए सर बहुत सार बहुत बार ऐसी बात होती है हमारे पास कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं ऊँचे ऊंचे टावर होते हैं ऊँचे ऊँचे बहुत बड़ी इमारतें होती हैं बड़े ऊँचे ऊंचे पहाड़ होते हैं तो बहुत ऊंची किसी जगह पर आपको देखना हो उसकी हाइट मेजर करनी हो तो ये तो लाजमी नहीं ये तो आपके पास मुमकिन नहीं है ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो है अपना फीता लेकर हर हर चीज़ को नापने चले जाएँ तो इसके लिए हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है जिसे हम पैथा गुरस्थानों का आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहली बात जो हम इसमें पढ़ेंगे वो आपके पैथा गुरस्थान जो आपने पढ़ी है उसको हम रिवाइज करेंगे आपके साथ पता थ्योरम उस होने क्या पढ़ा था सर हमने पढ़ा था अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल सर ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास एंगल एंगल ए बी और सी जो है नाइन्टी डिग्री का है अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एट बी इन अदर वर्ड्स वी कैन से एट एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री तो जो इस, इस एंगल 90 के ओपोजिट में साइड होगा उसको आप हाई पार्टन्यूज़ कहते हैं क्या कहते हैं हाई पार्ट कहते हैं ठीक है जी जो एंगल आप कंसीडर करेंगे अगर आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं इस एंगल के पोज में जो आपके पास साइड देख रहे हैं उससे आप परपेंडिकुलर कह रहे हैं और ये बचा हुआ जो नीचे वाला साइड है इसे आप बेस कह रहे हैं ठीक है जी ये आपके पास हाई पार्टन्यूज हो गया ये आपके पास बेस हो गया और ये वाला साइड आपके पास परपेंडिकुलर हो गया अगर ये वाला एंगल आप ठीक ठाक कंसिडर कर रहे हैं

बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज जो आपके पास जरूरत लगेगी वो क्या है सर वो आपके पास है जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यूज हैं जैसे आपके पास अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रैंगल है सर ए बी सी अगर आपके पास राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी है तो आपके पास अगर साइन ठीटा हम पूछेंगे साइन ठीटा किसके बराबर होता है सर साइन ठीटा आपके पास आता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाई पार्ट मतलब आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है सर इसमें ए बी डिवाइड बाई हाई पार्ट कौन सा है सर ए सी ये आपके पास पहली जरूरत है लग सकती है एग्जामिनेशन में थीटा अगर आपसे पूछेंगे आप कहते हैं तो बेस कौन सा है और हाई पार्टन्यूज कौन सा है ए सी आ रहा है इस टेन थीटा कहीं पर जरूरत लगेगी वो आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आ जाएगा जिसे आप कहते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ आपके पास ए और बी आ रहा है और नीचे बेस में आपके पास बीसी आ रहा है साइन थीटा का उल्टा अगर आप उल्टा देखेंगे तो आपके पास कौसा थीटा आ जाएगा कॉस्ट का उल्टा अगर आप देखें तो सेट ठीक आ जाएगा टेन ठीक का उल्टा अगर आप देखें तो कॉट आ जाएगा। ये चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पड़ी हुई हैं। अब इनका उपयोग करके इनका यूज करके हम जो है क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस पर ठीक है जी ये तो लाजमी बात है इसके साथ साथ जो आपको टेबल बनाना आना चाहिए देखिए जो जो प्री रिक्वेस्टेड चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं टेबल कौन सा आना चाहिए सर ये आपके पास जीरो डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर आपके पास जो तीस डिग्री की वैल्यू है ये पता होनी चाहिए फोर्टी डिग्री फोटी फाइव डिग्री की वैल्यू क्या कनी चाहिए सिक्सट डिग्री की वैल्यू क्या है नाइन्टी डिग्री पर क्या आना चाहिए अगर आप ये आप साइन ठीटा ले रहे हैं यहाँ पर आपके पास कास्ट ठीटा ले रहे हैं यहाँ पर आपका टैन थीटा ले रहे हैं बनाना आना चाहिए आपके पास यहाँ आप जीरो लेंगे यहाँ पर वन बाई टू लिखेंगे वन बाई अंडर वोट टू लिखेंगे अंडर वोट थ्री बाई टू लिखेंगे और यहाँ पर वन लिखेंगे फिर इसका उल्टा लिख जाइए उधर

कैनट भी डिफाइन ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो ये आपके पास ये ये एटलीस्ट ये प्री रिक्वेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए तभी जाके आप जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक है ये प्री रिक्वेस्टिव मान के चलते हैं आपने हमारे साथ टिक्नोमेटी अच्छे से पढ़ी है ये चीज़ें आपने सीखी हैं ये हमने रिवाइज क्यों की क्योंकि इस इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को बार बार दोहराएंगे तो ये चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगी अब देखिए सर क्वेश्चंस आपके पास जो आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर वो क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास कोई भी एक ऊंची मीनार दी जाएगी आपसे पूछा जाएगा सर इसकी इसकी हाइट कितनी है वो आपको निकालनी होगी इस चीज़ के लिए आपके पास फॉर्जल कोई भी पर्सन सर यहां पर इसकी यहां यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है ये आपके पास कोई पर्सन है ठीक है जी ये पर्सन इस टॉप को देख रहे हैं ठीक है जी इस मीनार की टॉप को देख रहा है इस टावर की टॉप को देख रहा है जो जो एंगल जो ये वाली साइड अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं जो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये आपके पास डी हो गया इन दोनों को अगर आप इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ये ई हो गया जो ये आपके पास डी और ए मतलब जो जो लाइन आपके पास जो पर्सन देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई किसी पॉइंट को हम देख रहे हैं तो जो, जो 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 ये आपके पास लाइन बन जाएगी ए डी आपके किसी पर्सन के आंख से लेकर जो आपके पास टॉप पॉइंट है जिसको आपने देखना है इस इस लाइन को आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइड क्या कहेंगे लाइन ऑफ साइड लाइन ऑफ साइड कहेंगे ठीक है जी लाइन ऑफ साइड जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बनाएगी ये वाला एंगल जो हॉरिजेंटल या आपके पास हॉरिजेंटल है जो एंगल लाइन ऑफ साइड हॉरिजेंटल के साथ बनाएगी उस एंगल को आप देंगे नाम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहेंगे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन लेकिन ये कब हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन अगर जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं वो ऊंचाई पर है वो हाइट पर है उसको देखने के लिए आप इस तरह से गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं सिंपल अल्फाजन समझा रहे हैं ठीक है जी यहां पर कोई पॉइंट है आप इस तरह से देख रहे हैं अपनी आंख से लेकर उस पॉइंट जहां पर आपने देखना है वहां तक जो लाइन ज्वाइन करी उसको आप लाइन ऑफ साइड कहेंगे वो लाइन ऑफ साइड जो बेस के साथ जो आपके पास हर के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल को आपने नाम दे दिया सर एंगल ऑफ एलिवेशन अब ये चीजें को इस्तेमाल करके जो है आप क्वेश्चंस देखेंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से चीजें सीख पाएंगे आंसर निकाल पाएंगे लेकिन जो आपके पास लफ्जी नॉर्मल क्रेज जिसे आप कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ़ साइड आपके पास कहीं पर दिया होगा क्वेश्चन में कि लाइन ऑफ साइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या कोई दिया होगा तो वो आप वहाँ से आप जो है चीज़ें निकाल पाएंगे तभी जब आपके लाइन ऑफ साइट का जो है मीनिंग पता होगी एंगल ऑफ आप, एलिवेशन आपके पास दिया होगा ये मीनिंग अगर आपको पता होगी तब आप निकाल पाएंगे सीढ़ी सर कोई एक पर्सन है इसकी हाइट है ये इंसान है कोई सर इसकी हाइट एच एच डी होगी टोटल जो आपके पास बिल्डिंग है इसकी हाइट कैपिटल एच डी होगी ये कैपिटल एच आपने निकालनी होगी कैपिटल एच किसके बराबर आएगी सर ए ई माइ प्लस ई बी ठीक है जी तो ये चीज़ें आप निकाल पाएंगे जब आपको ये चीज़ें पता होंगी इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो सकती है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्सन खुद ऊंचाई पर हो जिस चीज़ को वो देख रहा हो वो सर नीचे हो ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई कोई पर्सन ऐसे कोई कोई आपके पास मकान है इस मकान के यहाँ पर किसी टॉप बिल्डिंग पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है ठीक है जी यहाँ से ये यहां से इस यहां पर कोई चीज़ ज़मीन पर है इस चीज़ को ये यह पर्सन यहां से देख रहा है तो ये जो लाइन बनेगी जो आपके पास यहां से अगर आपका कोई पर्सन ए है यहां पर कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है सर बी है ए से लेकर बी तक तो जो लाइन बनेगी इसको भी आप लाइन ऑफ साइट ही कहेंगे और जो आपके पास ये वाला एंगल बनेगा अगर ये आपके पास इस टाइम पर ये हॉरिजॉन्टल आपके पास आ जाएगी और ये वाला एंगल जो आपके पास बनेगा इस एंगल को आप क्या कहेंगे सर इस एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन भाँसव में आ गई अगर आपके पास ऐसा हो कि कोई पर्सन जो है खुद ऊंचाई पर है और कोई चीज़ अब नीचे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई चीज़ है हम देख रहे हैं देखने के लिए हम जो है अपनी गर्दन को झुका के देख रहे हैं सर तो इसका मतलब जो चीज़ है वो आपके पास आप, आप, आपकी हाइट से नीचे खड़ी है कहीं पर नीचे ज, पड़ी हुई है उस चीज़ को देखने के लिए जो आपके पास वहाँ से लेकर नीचे तक आपकी आंख से लेकर उस चीज़ तक तो जो जो लाइन बनेगी उसका लाइन ऑफ साइड कहेंगे और जो लाइन ऑफ साइड आपके हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल को आप एंगल ऑफ़ डिप्रेशन कहेंगे लफ्जी मतलब आप यही याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे इसका मतलब आप बात करें कोई भी चीज़ जो

टावर स्टैंड इज वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एक टावर आपके पास ग्राउंड पर खड़ा हुआ है देखा देखा जिस तरह से आपको बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज फिफ्टीन मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी सिक्सटी डिग्री पूछा गया आपसे पूछा गया है कि आप हाइट ऑफ टावर निकालिए ठीक है।, है जी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास फॉर एक्सम्पल यहां पर कोई टावर दिया गया है ये अगर आप ए और बी आपके पास टावर ले रहे हैं ठीक है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पर्सन दूर देखा खड़ा हुआ है नीचे से अगर आप फुट अप नीचे से देखेंगे ये वाला एंगल जो है आपके पास सिक्सटी डिग्री दी गया दिया गया है ए बी और सी अगर आप ले रहे हैं तो बी सी की जो डिस्टेंस है जो आपके पास कितनी दूरी पर बोला गया है सर दूरी कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में फिफ्टीन मीटर्स की दूरी दी गई है तो ये आपके पास बी सी की जो है फिफ्टीन मीटर्स दी गई है पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ और टावर ए बी तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे सर आपके पास ये वाला एंगल जो है ये साठ डिग्री दिया गया है आपने निकालना है सर ए बी निकालना है वी नो डैट विनो डैट टेन थर्ट टेन सिक्सटी डिग्री जो आपने लेना है वो किसके बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर ए बी हो गया बेस आपके पास बी सी हो गया या ये ए बी डिवाइड बाई बी की वैल्यू आप फिफ्टीन मीटर ले लेंगे तो इसका मतलब टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी आपको टेबल अगर बनाना आएगा टेबल से बना लिए हम कह रहे हैं आपके पास जो ही आपके पास एग्जामिनेशन पेपर आ जाए पहले ही वो टेबल बना दीजिए क्योंकि टेग्रामी में भी, भी लगेगा यहाँ भी अगर आपको याद है अंडर रूट थ्री इसकी वैल्यू आ जाएगी ये किसके बराबर आ जाएगा सर ए बी डिवाइड बाई फिफ्टीन मतलब आपके पास ए बी की वैल्यू जो है जो आपके पास हाइट ऑफ टावर आ रही है वो आपके पास फिफ्टीन अंडर रूट थ्री या आपके पास ऑप्शन में दिया जाएगा यही आपके पास आंसर आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन पर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक और कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन टू आज की क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि आपके पास एन ऑब्जर्व वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल इज ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप चिमनी फ्रॉम आर आइज फोर्टी फाइव डिग्री वट हाइट ऑफ चिमनी आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है ठीक है जी क्वेश्चन आपके पास है अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को समय रहते आपके पास आंसर आना चाहिए चलिए जी क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है क्या आपके पास एक पर्सन दिया गया है ये सर ए से लेकर सी तक जो है ए सी अगर आप देखेंगे जो आपके पास ए बी प्लस टाइम बी सी आ जाएगा यही सर आपके पास हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी जो आपने निकालनी है ठीक है जी अगर आप डी से लेकर सी तो देखेंगे जो आपके पास डिस्टेंस ऑलरेडी दी गई है वहाँ से ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर जो आपके पास डिस्टेंस दी गई है जो पर्सन है जो इंसान देख रहे हैं डी ई e, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो आपके पास वन पॉइंट फाइव मीटर्स दी गई है ये एंगल आपके पास फोटी फाइव डिग्री है देखिए सर अगर आप इस ट्रैंगल में देखेंगे ट्रैंगल ए बी और ई में जाएंगे अगर आप इस ट्रैंगल में अगर आप देख जाते हैं इस ट्रैंगल की बात अगर आप करते हैं तो इस ट्रैंगल में आप देखेंगे सर आपके पास ए बी ई जो है नाइन्टी डिग्री है ये वाला एंगल आपके पास नाइन्टी डिग्री आ रहा है मतलब क्या कह सकते हैं पाचल सार में अगर आप लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर टेन फोर्टी फाइव डिग्री अगर आप देखेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा सर ए बी डिवाइड बाई बी ई डीई, डीसी और बीई, बीई दोनों बराबर हैं सर ये भी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर्स ही आ जाएगा ठीक है जी आप कह सकते हैं टैन फोर्टी फाइव की डिग्री की वैल्यू वन होती है वन इज टू ए बी जो आपने निकालना है सर ए बी डिवाइड बाई बी ई बी ई अगर आप देखें ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव या इन अदर वर्ड्स आप कह सकेंगे सर ए बी जो है सर आपका ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर्स आ रहा है लेकिन आपने निकालना क्या टोटल हाइट कितनी है सर ए से लेकर सी तक वो कितना है सर ए बी पुलस टाइमस आपके पास कितना है ए बी में एड कितना करना है आपने बी सी तो ए बी अभी, अभी अभी आपने ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर्स निकाल दिया और बी सी जो है आपके पास इस पर्सन की हाइट जो है ई डी के बराबर है कितना दिया गया है वो वन पॉइंट फाइव दिया गया है तो आपके पास जीरो आठ नौ और एक दस दो और एक तीन या पास थर्टी मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा कि आपके पास ए से लेकर सी तक जो है ये टोटल हाइट जो है आपके पास थर्टी मीटर्स की आ रही है ये क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं चलिए सर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चलिए जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है बोला जा रहा है कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू तो बी फोर्टी मीटर्स लॉन्गर वैन द सन अल्टीट्यूड इज थर्टी डिग्री देन वैन इट इज सिक्सटी डिग्री ठीक है जी कह रहा है कि अगर आपके पास एक टावर है सर अगर आप उसका शेडो देखेंगे जो उसका परछाया नीचे ज़मीन पर गिर रहा है उनमें सर फर्क आ रहा है चालीस चालीस मीटर का फ़र्क आ रहा है जब आपके पास सन अल्टीट्यूड तीस डिग्री और सिक्सटी डिग्री है ठीक है जी तो पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर आप बताइए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को सर चलिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास अगर आप देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास टावर है इसकी अगर आप ए और बी हाइट ले रहे हैं ठीक है सर अगर आपके पास पहले एंगल थर्टी डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर थर्टी डिग्री आ रहा है फिर अगर आप सिक्सटी डिग्री ले रहे हैं तो आपके पास सिक्सटी डिग्री यहाँ पर आ रहा है ए बी चलिए इसका नाम सी दे देते हैं यहाँ पर आपके पास नाम को डी दे देते हैं डी और सी से लेकर बीच में जो जोरी है वो कितनी बोली गई है आपके पास गिवन क्वेश्चन में देख लेते हैं सर क्वेश्चन में कितने बोला गया डिस्टेंस कितनी आ रही है चालीस मीटर्स की आ रही है यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपके पास चालीस मीटर्स की दी गई है ठीक है आपने निकालना क्या वी हर टू फाइन द हाइट ए बी चलिए इसकी हाइट हम एच रख लेते हैं ना चलिए सर बी और सी से लेकर कितनी डिस्टेंस है हाँ हमको नहीं पता सर हम एक्स ले लेते हैं चलिए अगर हम पहले जाते हैं सर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी में वहां पर आप क्या लेंगे सर टेन सिक्सटी डिग्री किसके बराबर है परपेंडिकुलर क्या है सर ए बी डॉ बेस क्या है आपके पास बी सी ए बी की वैल्यू आपने एच ले ली है डोडे बी सी की वैल्यू आपने एक्स ले ली है टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है सर टेन सिक्सटी डिग्री अगर आपको आता है तो ठीक नहीं आता तो टेबल बना के कल कर सकते हैं सर ये अंडर वुड थ्री होती है अंडर वुड थ्री इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एक्स और इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट एच जो है जो आपके पास एच आ रहा है वो किसके बराबर है एक्स अंडर रूट ऑफ थ्री यहाँ से आप इसको नोट करके रख देंगे ये इक्वेशन नंबर वन हो गई अब आप जाएंगे सर इन राइट ट्रैंगल ट्रैंगल कौन सा ए बी और डी में यहाँ आप लेंगे सर टेन थर्टी डिग्री जो है ये किसके बराबर आ जाएगा सर ये आपके पास आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई बी डी ए बी की वैल्यू आपने एच ले ली है बी डी की वैल्यू आपकी सर फोर्टी प्लस टाइमस एक्स आ जाएगी यह इन अदर वो आप कहेंगे सर जो आपका टेन थर्टी डिग्री है टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर वन डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री ये किसके बराबर आ जाएगा सर ये आ जाएगा एच डिवाइड बाई फोर्टी प्लस एक्स ठीक है थीके जी ठीक है ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू हो गई फॉर एक्सम्पल पुट वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन वन इन इक्वेशन यहां से एच की वैल्यू क्या है सर एक्स अंडर रूट थ्री एच के बदले सर यहां अंडर रूट थ्री यहां पर लिखेंगे हम तो यहां हमारे पास क्या ऐसे ही रहने दियाई फोर्टी प्लस अंडर रूट फोर्टी प्लस एक्स एज इट इज अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आ जाएगा सर फोर्टी प्लस एक्स इज इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री ये किसके बराबर आ जाए ये आ जाएगा सर एक्स इंटू हंड्रो थ्री इंटू हंड्रेड थ्री किसके बराबर आ जाएगा सर थ्री के बराबर मतलब आपके पास फोर्टी इज इकल टू थ्री एक्स माइनस यहां से एक एक्स जाएगा तो टू एक्स हो गया तो एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा टू ट्वेंटी सर ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई सर एक्स आपके पास ट्वेंटी मीटर्स आ गया मतलब ये जो है एक्स है ये पास ट्वेंटी मीटर्स हो गया लेकिन निकालना है क्या है सर आपने एच निकालना है तो आप ये ट्वेंटी मीटर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे पुट क्स इज ट्वेंटी मीटर इन इक्वेशन नंबर तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर यहाँ पर एक्स की वैल्यू ट्वेंटी मीटर्स आपने ले ली अंडर रूट थ्री जो है आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पर आपके पास एच की वैल्यू ट्वेंटी अंडर रूट थ्री आ जाएगी यही आपके पास आंसर है तो ये तरीका इस क्वेश्चन करने का चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है क्वेश्चन पूछा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फोर्टी डिग्री ठीक है जी मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फोर्टी फाइव डिग्री दिया गया है मीटर द बेस ऑफ टावर अगर आप इक्कीस मीटर टावर की तरफ चलते जा रहे हैं तो आपके पास बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज सी डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सिक्सटी डिग्री में चेंज हो रहा है वॉर द हाइट ऑफ टावर आपको निकालनी है टू द नियरेस्ट मीटर्स नियरेस्ट मीटर्स में आपके पास हाइट जो है इसकी निकालनी है आपने क्वेश्चन की ठीक है जी अच्छे से आप समझिए चलिए जी देखिए क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा अगर आप करेंगे सर यहाँ पर फार्जामल था ना आपके पास ए और बी आपके पास टावर आ रहा है अगर आप मानेंगे पहले कितना डिग्री दिया गया था फोर्टी फाइव डिग्री दिया गया था यह आपने आपने ले लिया सर यहाँ पर पैंतालीस डिग्री आ रहा है यह आपके पास सी हो गया अब आप इक्कीस मीटर जब इसकी तरफ चल रहे हैं फार्जामल ये आपने ट्वेंटी वन मीटर चल चल दिए तो आपके पास ए से लेकर चलिए डी हम ले लेते हैं यहाँ ये जो एंगल है ये आपके पास सिक्सटी डिग्री बन गया यहाँ के पास एंगल सिक्स डिग्री का बन गया इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं डी चलिए सर यहाँ से लेकर यहाँ आपके पास एक्स हो गई डिस्टेंस या आपके पास हाइट एच हो गया तो निकालना क्या आपने वट यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी आपने किया था बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज है लेकिन बोला गया है कि नियरेस्ट मीटर्स में तो नियरेस्ट मीटर निकालने के लिए आप ख्याल रखिए जब ये नियरेस्ट मीटर में पूछा जाए थ्री की वाली आप आपन पॉइंट सेवन थ्री ले लेंगे कितनी ले लेंगे वन पॉइंट सेवन थ्री अब देखिए क्या काम करेंगे सर पहले जाएंगे हम इन राइट ट्रैंगल ट्रेंगल ए बी और डी में हम लिखेंगे सर क्या लिखेंगे सर वहाँ पर टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू सर आपके पास आ जाएगा एच डिवाइड बाई एक्स या इन अदर वर्ड्स एच जो है सर यहाँ पर आपके पास एक्स इन टू टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू एंडर रूट ऑफ थ्री आ जाएगी ये हमने नोट करके रख दी अब हम जाएंगे सर इन राइट ट्रैंगल ट्रेंगल ए बी और सी में यहाँ पर हम लिखेंगे सर टेन फोर्टी फाइव डिग्री ये किसके बराबर आ जाएगा सर यहाँ के पास आ जाएगा परपेंडिकुलर आपके पास हाइट एच हो गई डिवाइड बाई ट्वेंटी एक्स ठीक है जी यहां से आप लिखेंगे कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू वन होती है तो आप देखेंगे सर हाइट एच इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस एक्स ये पास दूसरी इक्वेशन हो गई ये एक इक्वेशन हो गई ये दूसरी इक्वेशन हो गई अब इक्वेशन ये वन हो गई इक्वेशन टू हो गई फ्रॉम फर्स्ट में दोनों इक्वेशन बराबर है तो आप कह सकते हैं सर एक्स अंडर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस टाइम एक्स या इन अदर वर्ड्स अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर एक्स अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस टाइमज एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन ठीक है जी तो अगर आप एक्स यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस टाइम वन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन या एक्स की वैल्यू जो है आपके पास ट्वेंटी वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस वन आ जाएगी ये कितनी होगी सर एक्स की वैल्यू होगी अगर आप इस एक्स की वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे ये आपके पास थर्ड होगी इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड तो आपके पास एच हाइट है एच किसके बराबर है एक्स अंडर रूट थ्री एक्स किसके बराबर आ गया सर ट्वेंटी वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस टाइम वन इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक है यहां तक तो बात क्लियर है अब आपने क्या निकालना है नियरेस्ट नियरेस्ट मीटर्स में अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो नियस्ट मीटर में निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर अप्रोसीमेटली अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर ट्वेंटी वन इंटू अंडर थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री डिवाइड बाई यहाँ पर वन पॉइंट सेवन थ्री माइनस वन आ जाएगा तो आप पास आपके पास टू आपके पास जीरो पॉइंट सेवन थ्री आ जाएगी ये इसको अब आपने सॉल्व करना है सर आपके पास कितना आ जाएगा सर ट्वेंटी वन इंटू वन सेवनटी थ्री डिवाइड बाई पास सेवेंटी थ्री इसको सॉल्व कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है मेरे दोस्त ये इसको आप और थोड़ा आसान अगर बनाना चाहेंगे इतनी कंप्लीशन मल्टीप्लीकेशन अगर आपको ना मुश्किल हो करना तो आप इसको क्या करेंगे सर रैशनलाइज करेंगे देखिए क्या करेंगे आप इसको इसको आप लिख सकेंगे सर यहाँ के पास कितना हो गया ट्वेंटी वन अंडर रूट ऑफ थ्री इसको आप करेंगे सर ट्वेंटी वन अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस वन ऊपर भी आप अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये किसके बराबर आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी वन अंडर रूट ऑफ थ्री इन अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस टाइम वन डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है सर ए स्क्वायर ये आपके पास फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बहुत बार आपने पढ़ा होगा ये आपके पास ए स्क्यर माइनस टाइमस बी स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर क्या हो गया सर थ्री माइनस वन कितना हो गया सर वो टू नीचे आपके पास टू आ जाएगा तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी वन इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू अंडर रूट थ्री कितना सर थ्री हो गया आपके पास प्लस टाइमस ट्वेंटी वन रूट थ्री डिवाइड बाय आपके पास नीचे टू आ जाएगा थ्री वन जर थ्री थ्री टू जेर सिक्स सिक्सटी थ्री पुलस टाइमस ट्वेंटी वन रूट थ्री डिवाइड बाई टू आपके पास आ जाएगा अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास सिक्सटी थ्री पुलस टाइमस ट्वेंटी वन रूट थ्री हो गया सर ट्वेंटी वन इंटू रूट थ्री की वैल्यू आपके पास वन पॉइंट सेवन थ्री हो गई इसको आप सॉल्व कीजिए देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन सेवनटी थ्री टू थ्री जेर सिक्स टू सेवन वन टू वन जर टू और वन थ्री यहाँ पर तीन हो गए छः छः बारह और एक तेरह हो गए चार पाँच और छः यहाँ पर तीन हो गया दो के बाद पॉइंट थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री थ्री प्लस थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाई आप टू है तो इसको आप ऐड कर दीजिए इन दोनों को ये छः और तीन नौ छः और तीन नौ नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाई टू आपके पास आ जाएगा यहाँ अगर आप इसको सॉलो करेंगे टू फोर जर एट टू नाइन ज़र एटीन टूए फोटी नाइन पॉइंट सिक्स जो है आप पचास मीटर इसकी हाइट जो है ले सकते हैं आप सिर्फ कैलकुलेशन आपको कितनी जल्दी आप करेंगे वो अब तक है लेकिन तरीका जो है आपको आना चाहिए ये तरीका करने का चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों इस क्लास को तो यहीं तक रखते हैं मिलते हैं अगली क्लास में टिल देन डू टेक बेस्ट केयर थैंक यू थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग